أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज नया टॉपिक है परसेंटेज है परसेंटेज तो फिफ्थ क्लास से हम कर रहे हैं फिफ्थ क्लास से यानी अ परसेंटेज पहले डिफिनेशन करते हैं अ परसेंट मींस एनीथिंग आउट ऑफ हंड्रेड हम यानी किसी चीज़ को आउट ऑफ हंड्रेड में हम कर लेते हैं तो इसको हम परसेंटेज कहते हैं फॉर एग्जांपल अपने मार्क्स का कि हमने यानी क्लास सिक्स में 70% 80% 90% मार्क्स हासिल किए तो असल में तो हमारे मार्क्स या आपके मार्क्स जो होते हैं वो तो 700 में होते हैं या 600 में होते हैं 600 में टोटल होते हैं तो इसको हम फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं आउट ऑफ हंड्रेड के साथ हम इसको एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने मार्क हासिल कर लिए वो कि 100 में आपने 700 में 600 लिए तो 100 में कितने लिए हैं तो 100 इसके आउट ऑफ 600 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 तो परसेंटेज का यही तरीका है और परसेंटेज का मीन्स मतलब ये है परसेंट का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 हमने फॉर एग्जांपल 50% मीन्स 5/100 आएगा 50% का मतलब क्या है ये 5/100 आएगा 5/100 तो ये परसेंटेज का मतलब है कि इसको डिनोमिनेटर परसेंट का डिनोमिनेटर जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 आएगा ये तो इसमें है अब एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फ्रैक्शन हमारे पास है इसको परसेंटेज ये वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका ये है 1/8 फ्रैक्शन है जब भी कॉमन फ्रैक्शन आपके पास आ जाए एक डेसिमल होता है एक फ्रैक्शन होता है कॉमन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा 100 आएगा ना 10^10 आएगा डेसिमल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आएगा पावर ऑफ 10 हमेशा 10^10 आ सकता है 10^2 भी आ सकता है 10^3 भी आ सकता है 10^100 भी आ सकता है अब ये तो डेसिमल में नहीं है हमारे पास क्या है कॉमन फ्रैक्शन इसको कहते हैं पर टाइप्स है वो तो क्लास 4-5 की बातें हैं 1/8 है सोल्यूशन 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या कर लिया हमने यानी यहाँ पे हमने 100 इसके साथ 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं इसी तरह कर लिया 1/8 परसेंटेज 100% कर लिया अब इसको फर्दर हमने क्या कर लिया इसको सिंप्लीफाइड इसको ब्लास्ट में क्या किया इसको सिंप्लीफाई भी कर लें 1/2 4 248 250 100 आएगा 2 2 4 225 50 आएगा यानी 25/2% फर्दर इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट ना डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 4 25 को हमने डिवाइडेड कर लिया 25 को 2 पे डिवाइडेड करता है 2 1 is 2 2 1 is 2 ये इसी तरह मल्टीप्लाई कर लिया 25 2 2 1 is 2 रिमाइंडर 0 5 को डाउन कर लिया 2 2 4 रिमाइंडर 1 आ गया यानी इसको इसी तरह 12 whole 1/2 भी लिख सकते हैं अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर ले आप देखिए पॉइंट हमारे पास पॉइंट ये पॉइंट के राइट पे जाते हैं तो राइट पे जाते हैं तो पॉइंट को ऊपर भी उठा लेते हैं और राइट में हमारे पास 0 जितने मर्जी लिख सकते हैं 0 डाउन कर लिया 2 5 10 ये प्रोसेस 12.5% आ गया पार्ट सेकेंड है 3/6 को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लिया 3/6 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या रिड्यूस पहले से कर सकते हैं 300/6 आएगा 6 1 is 6 6 5 30 0 यानी 50% हमारे पास आएगा होल नंबर आ गया 50% इसी तरह 11/10 हमारे पास है 11/10 क्रॉस 100% इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 1100 आ गया डिवाइडेड बाई 10 0 0 कैंसल 110% हमारे पास आ गया कितना गया 110% आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है बाकी क्वेश्चन इसी तरह है तो इसी तरह कह ले प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं बार बार कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अगर पॉसिबल इफ पॉसिबल कन्वर्ट इनटू का इट्स सिंपलेस्ट फॉर राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म 40% जिस तरह पहले हमने कहा कि परसेंट मीन्स एनीथिंग आउट ऑफ 100
एनीथिंग आउट ऑफ 100, यानी ये 40% है ये आउट ऑफ 100 में है, तो 40 के इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन फ्रैक्शन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, 40/100 आएगा, 40/100 ये 0 0 कैंसिल, 4/10 आ गया, आप दोनों 2 पे डिवाइडेड करते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 2/5 हमने फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। 35%, 35% इज इक्वल टू 35/100 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 5, बोथ इन्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 पे डिवाइडेड, 5 7 35 5 20 200 7/5, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 7/20 आ गया। 37% इज इक्वल टू 37/100, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉमन डिवाइजर नहीं है ना, 37 और 100 का कॉमन डिवाइजर कोई भी नहीं है, इसलिए इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पहले से है। और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह कन्वर्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में चेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन एंड टू परसेंटेजेस एंड डिसाइड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, फिर डिसाइड परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, और फिर इसके बाद जब परसेंटेज में आप कन्वर्ट करते हैं इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। 1/8 or 2/7, 1/8 or 2/7, 1/8 पहले कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, 1/8 जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है वही क्वेश्चन 1/8 है भी, 1/8 100 मल्टीप्लाई कर लिया, 425/2%, 25/2% इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में भी कर सकते हैं, कंपाउंड में इम्प्रॉपर आ गया, इम्प्रॉपर को हमने 12/1/2%, इन्हें 12 कंप्लीट है और दूसरा हमारे पास हाफ है, और 2/7 क्रॉस 100%, यानी 200 कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, 200/7 इसको कन्वर्ट कर लिया, 200/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, 28 होल, यानी किस तरह कन्वर्ट कर लिया, यानी 200 को देखें 200 को 7 पे डिवाइडेड कर लिया, ये भी इसी तरह हुआ, ये भी 7 2 14 आएगा ना, रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 0 डाउन कर लिया, 6 7 8 56, 4 रिमाइंडर, तो ये हमारे पास 28 होल ये लिखा जा सकता है, 28 होल 4/7, इसी तरह हम करते हैं परसेंट ये कन्वर्ट हुआ। अब इसमें देखिए एक 12/1/2% आउट ऑफ, यानी 12 में 100 में 12 और दूसरा हाफ है, और ये हमारे पास 28, तो ग्रेटर है 28 आउट ऑफ 100 में, हेंस 2/7 28 होल 4/7 ग्रेटर देन 12/1/2 से ग्रेटर है, दियर फॉर 2/7 ग्रेटर देन 1/8 से ग्रेटर आएगा, तो ये इसी तरह कर लिया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 7/10 and 7/9, 3/10 and 7/9, which one is greater, first convert into percentage, then decide which one is greater, 3/10 cross 100% percentage में convert करते हैं, 300/10% 30% आ गया, complete हमारे पास whole number आ गया, 7/9 को convert करते हैं, 100 multiply कर लिया 100, तो 700/9 700, अब देखिए यहाँ पे हमने कर लिया ये 700 डिवाइडेड बाय 9, 7 9 63, 7 के नॉट डिविजिबल, कम बाय 0 70 बिकम 70, 7 9 63, 7 रिमाइंडर 7 आ गया, इसे 0 को डाउन कर लिया, 70, 7 9 63, तो ये हमारे पास 77 होल 7/9%। अब देखिए 30% ग्रेटर है आउट ऑफ 100, 30 आउट ऑफ 100 77, तो ये वाला ग्रेटर है ना, है 77 होल 7/9 ग्रेटर देन 30, डियर फॉर 7/9 फ्रैक्शन ग्रेटर देन 3/10, और बाकी क्वेश्चन और इसका पार्ट है वो भी इसी फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग 12/100 12/10, अब देखें यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए ये इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ये कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई करो, तो यह 10 मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये 100 आएगा ना,
तो इसी तरह इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमने इसमें भी हमने ये 20 है, 20 को अब क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास ये 100 आ जाए, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करते, तो इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई करें तो ये 60, 12, 5 जार 60 आ जाएगा। और परसेंट हमने परसेंट बाई परसेंट है तो 100 आउट ऑफ 100 और 60% आ गया ना, परसेंट यानी मीन्स आउट ऑफ 100 आ रहा है। तो ये इसी तरह पहले हमने 10 लिखा था, यहाँ पे 20 है, 100 नहीं ना, 10 नहीं है। अब इसमें देखिए ये 100 आए मतलब है कि हमें हमने कुछ मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लीकेशन किया है, जो मल्टीप्लाई किया वो यानी 10, ये 10 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करें, ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे ये 10 आउट ऑफ 100 है तो 10% हमारे पास ये आ जाएगा। नंबर थ्री में, नंबर थ्री में हमने मल्टीप्लाई कर लिया 25 आएगा तो 25 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, 75 आउट ऑफ 100 है तो 75% ठीक है ये। इसमें क्या चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया है 100 किस तरह, 520 यानी 520 हमारे पास 100 आएगा तो 20 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो ये 80 आएगा और ये हमारे पास 80% बन जाएगा। इसी तरह इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द फॉलोइंग, 5% ऑफ 240 रुपीज, यानी 5% ऑफ 240 रुपीज का कितना हिस्सा आएगा। जब 100 में हमारे पास 5 है तो 240 में कितना आएगा, कितने रुपीज होंगे, तो 5/10 ऑफ चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, जहां पे भी ऑफ आया चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई 240, जीरो जीरो कैंसिल, देखिए ये जीरो कैंसिल किया और ये जीरो कैंसिल किया, 5/10 आ गया, 5 × 5, 5 × 10 तो ये 24 आ गया, ये 1/2 × 24, 2 × 2, 2 × 12 × 12 मतलब ये हुआ कि जब 100 में हमारे पास 5 रुपीस है तो 240 में हमारे पास 12 आएगा। 2.5% ऑफ 1000, यानी 100 में 2.5 है, 1000 में कितने रुपीस होंगे, 2.5/100, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए डेसिमल से नहीं, परसेंटेज आउट ऑफ 100 है, यानी इसका फ्रैक्शन जब भी परसेंट का डिनोमिनेटर हमेशा 100 आएगा, मल्टीप्लाई ऑफ चेंज इन टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000, 20 कैंसल, ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, अब ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर ले, 2500 यूनिट की बारी 10, 5 × 5, 5 × 2 × 2, 0 × 5, 2 × 1, 25 रुपीज, यानी 100 में 2.5 है तो 1000 में 25 रुपीज। 1/4 ऑफ 5 kg है, 1/4 ऑफ कन्वर्ट इन टू मल्टीप्लीकेशन चेंज इन टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 5, 5/4, 1.255 को डिवाइडेड कर लिया ये तो हमारे पास 1.25 आ गया, यानी 4 में 1 तो 5 में कितना आएगा, 1.25 kg आएगा, 1.25 kg 5 में आएगा। और क्वेश्चन इसका पार्ट 4 पार्ट है, 400 इज ग्रेटर आर लेस, यही बता रहे हैं कि भाई ये के 400 इज ग्रेटर है आर लेस से 1/2 ऑफ 750 का, यानी 1/2 ऑफ 750 का 400 इससे ग्रेटर आएगा या लेस आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है, 2 में हमारे पास 1 है, 750 में कितना आएगा, 1/2 ऑफ चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है कि ये कितना आ रहा है 750, 1/2 का कितना हिस्सा है, 1/2 × 7 = 375 है तो 300, 400 ग्रेटर देन 1/2 ऑफ 750। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ग्रेटर, 15% ऑफ 600 और 12% ऑफ 800, यानी 15% ऑफ 600 ग्रेटर है या 1200
12% ऑफ 800 फर्स्ट कन्वर्टेंट, 15% ऑफ 600 कन्वर्ट कर लिया 15/100, 15% मीन्स 15 out of 100 क्रॉस 600, 00 कैंसिल, 1212 कैंसिल, 15 6 are 90, 15 6 are किया गया, ये 90 हमारे पास इक्वल। अब सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं, 12% ऑफ 800, 12% ऑफ 800, 12/12 out of 100 क्रॉस 800, 00 कैंसिल, 12 8 are 96 देयर फॉर 12% ऑफ 800 ग्रेटर देन 15% ऑफ 600, यानी आज तक ये काफ़ी है। ये 6 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 6 रह गए, इंशाल्लाह इसको कल करेंगे। तो बस ये काफ़ी है, थैंक यू।